तो एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के VXI वेरिएंट को टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट के साथ में। इन दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स, प्राइस और इंजन स्पेसिफिकेशन को हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इन दोनों ही गाड़ी की प्राइस के साथ में। दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट VXI और XM वेरिएंट की प्राइस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रेजा का VXI वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 8,57,000 रुपए में मिलता है, वहीं आपको टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन XM वेरिएंट 8,15,000 रुपए में मिल जाता है। 42,000 रुपए का डिफरेंस दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मारुति ब्रेजा का VXI वेरिएंट यहां पर आपको 42,000 रुपए महंगा मिलता है। वहीं दोस्तों दोनों ही वेरिएंट के साथ में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। VXI वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइस है 9,87,000 रुपए, वहीं टाटा नेक्सॉन के XM ऑटोमेटिक की प्राइस है 8,75,000 रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी अच्छा खासा प्राइस गैप देखने को मिलेगा। 1,12,000 रुपए मारुति ब्रेजा का VXI वेरिएंट महंगा मिलता है टाटा नेक्सॉन के XM ऑटोमेटिक से। ब्रेजा के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, जबकि आपको टाटा नेक्सॉन में डीजल इंजन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप डीजल इंजन के साथ में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली टाटा की नेक्सॉन की तरफ ही जाना चाहिए। अब दोस्तों हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ी की डायमेंशंस को। तो अभी दोस्तों आप इन दोनों ही गाड़ी की डायमेंशंस देख सकते हैं। लंबाई की अगर बात करें तो मारुति की ब्रेजा में 2 mm की लंबाई ज्यादा मिलती है, जो कि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। चौड़ाई यहाँ पर आपको टाटा की नेक्सॉन में 21 mm की ज्यादा मिल जाती है ब्रेजा से, और 24 mm की हाइट यहाँ पर आपको मारुति की ब्रेजा में ज्यादा मिल जाती है। व्हील स्पेस यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ियों के अंदर बिल्कुल बराबर दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो 22 लीटर का बूट स्पेस टाटा की नेक्सॉन में ज्यादा दिया गया है, और 11 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर आपको टाटा की नेक्सॉन में ज्यादा मिल जाती है मारुति की ब्रेजा से। दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले टायर साइज की बात करें तो मारुति की VXI वेरिएंट में आपको 205/60R16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जबकि आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में 195/60R16 इंच के टायर मिल जाते हैं। यहाँ पर ब्रेजा के अंदर दोस्तों टायर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है टाटा नेक्सॉन के मुकाबले। ये तो बात होगी दोस्तों इन दोनों ही गाड़ी की डायमेंशंस के बारे में। एक बार हम इन दोनों ही गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मारुति की ब्रेजा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है और टाटा के नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है। दोनों ही इंजन में मिलने वाली पावर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन में मिलने वाले पेट्रोल इंजन के साथ में 15 bhp की पावर ज्यादा मिल जाती है। वहीं टॉर्क की बात करें तो 32 Nm का टॉर्क भी यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में ज्यादा मिल जाता है। कंपनी क्लेम्ड माइलेज यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, 70 kmpl का। ब्रेजा में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, वहीं टाटा नेक्सॉन में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। दोस्तों मारुति की ब्रेजा में आपको कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जबकि टाटा की नेक्सॉन में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर यहाँ पर आपको 108 पीएस की मिलती है और 260 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। डीजल इंजन के साथ में 22.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, और यह इंजन भी आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाता है। ये तो बात होगी दोस्तों इन दोनों ही गाड़ी की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इन दोनों ही गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन के बारे में। मारुति ब्रेजा के VXI वेरिएंट के एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं जो कि LED बेस है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल जाती है। फॉग लैंप दोस्तों आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। 16 इंच के व्हील्स यहाँ पर आपको फुल व्हील कवर के साथ में दिए गए हैं, और जो टर्न इंडिकेटर वो भी आपको ORVM के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल भी यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ही दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल से भी दोस्तों आप VXI वेरिएंट का लुक यहाँ पर देख सकते हैं। VXI वेरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट के एक्सटीरियर के बारे में। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्रिल मिल जाती है। XM वेरिएंट में भी दोस्तों आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है। 16 इंच के व्हील यहाँ पर आपको दिए गए फुल व्हील कवर के साथ में। जो टर्न इंडिकेटर है दोस्तों वो यहाँ पर आपको ORVM के ऊपर ही मिल जाता है, लेकिन डोर हैंडल एंड ORVM ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रेजा में ये बॉडी कलर में दिए गए थे। XM वेरिएंट के
इंटीरियर की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल टोन में इंटीरियर देखने को मिलेगा। मैनुअल एसी दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है और कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमन सेफ्टी फीचर्स के बारे में, वो सभी सेफ्टी फीचर जो कि आपको ब्रेजा के PXI वेरिएंट और नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मारुति की ब्रेजा में दी गई है और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग टाटा की नेक्सॉन में मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड अलर्ट, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और रिवर्स पार्किंग जैसे सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ये सभी दोस्तों वो सेफ्टी फीचर है जो कि आपको VXI और XM वेरिएंट के अंदर दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट में मिलने वाले कॉमन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो ब्रेजा में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है, जबकि नेक्सॉन में आपको मैनुअल AC मिल जाता है। ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर दोनों ही वेरिएंट में दिया गया है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिल जाता है। फ्रंट पावर आउटलेट मिल जाता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। फ्रंट सीट के हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। फुल फोल्डिंग रियर सीट का फीचर मिल जाता है। फ्रंट सेंटर में कप होल्डर का फीचर मिल जाता है। बोतल होल्डर यहाँ पर आपको सभी डोर के अंदर दिए गए। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज यहाँ पर आपको मिल जाती है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओवरबीम का फीचर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये सभी फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करें म्यूजिक सिस्टम की तो 2DIN का इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाता है, जिसके साथ आपको 4 स्पीकर मिल जाता है। USB, AUX और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले यूनिक फीचर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेजा के VXI वेरिएंट में मिलने वाले उन सभी फीचर के बारे में जो कि आपको टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेने पर नहीं मिलते हैं। ब्रेजा का VXI वेरिएंट लेने पर दोस्तों आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है। रियर सीट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए और फ्रंट सीट बैक पॉकेट का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो का फीचर भी यहाँ पर आपको VXI वेरिएंट में मिल जाता है। रियर डिफोगर का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। ये सभी फीचर आपको XM वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिलने वाले यूनिक फीचर के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेने पर दोस्तों आपको ब्रेक असिस्ट का फीचर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर दिया गया है, हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर दिया गया है, सनग्लास होल्डर का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फीचर भी आपको टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेने पर मिल जाता है। ये सभी दोस्तों वो फीचर है जो कि आपको टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेने पर मिलेंगे, लेकिन मारुति ब्रेजा का VXI वेरिएंट लेने पर नहीं मिलेंगे। मारुति की ब्रेजा लेने पर दोस्तों आपको काफी रिफाइन इंजन मिल जाता है और जो सर्विस नेटवर्क है मारुति का वो भी काफी बेहतर मिल जाता है। सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी दोस्तों आपको मारुति की ब्रेजा में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है। टाटा के नेक्सॉन में दोस्तों आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और ज्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है मारुति ब्रेजा के मुकाबले, और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग यहाँ पर आपको टाटा के नेक्सॉन में देखने को मिल जाती है। ये था दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों का एक वेरिएंट कंपैरिजन वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।